हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक मेथड है, जिस मेथड में अगर कोई एयर, यानी कि यहाँ पर वाटर है, तो हमें अगर एयर प्रिपेयर करना है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, अगर हमें एयर प्रिपेयर करना है O2 गैस एंड H2 गैस, तो हम ये मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, सो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम O2 गैस और H2 गैस प्रिपेयर कर लेंगे। सो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस में टू वर्ड्स छुपे हुए हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये है इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। ओके, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। ओके, अगर किसी मेथड में, किसी रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस का हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, किसी प्रोसेस में अगर हम किसी सब्सटेंस का हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है वाटर का। ओके, अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि एक ये टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसकी आपको जरूरत होगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो कैरिड आउट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लेते हैं। अब देखिए, ये हुआ है बीकर। ओके, इस बीकर में टू इलेक्ट्रोड्स होंगे इस तरह से। ओके, ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। ओके, अब ये जो टू इलेक्ट्रोड्स है, ये डीप किए गए हैं, यानी कि इंसर्ट किए गए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं जिसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, या फिर मोल्टन सॉल्यूशन होगा, या फिर फ्यूज होगा। मोल्टन हो, वो फ्यूज हो, या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन हो, सो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पास आउट कर पाए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हमें यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है वाटर। ये है यहां पर वाटर। ओके, क्योंकि हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सो यहां पर हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइट एज अ वाटर। ओके, अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है, ये अटैच होंगे बैटरी से। यहां पर ये हुआ बैटरी। ओके, सो अरेंजमेंट आपने देख लिया है, ये हुआ बैटरी और ये वायर से अटैच है ये टू इलेक्ट्रोड्स को, जिनमें से एक है एनोड, जिनमें से एक है कैथोड, और ये दोनों भी इलेक्ट्रोड डीप किए गए, इंसर्ट किए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट में। यहां पर हमने लिया हुआ है वाटर। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैंने तो आपको बता दिया है। अब एनोड किसे कहते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरिड आउट की जाए, जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। और कैथोड
इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट की जाएगी या फिर हो जाएगी, सो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड, उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड। अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल है, सो इसमें ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्म है वो अटैच होगा कैथोड को, ओके, और ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्म होगा ये अटैच होगा एनोड, ओके, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का ये अटैच होगा कैथोड को, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो अटैच होगा एनोड, ओके, ये जो साइन है ये साइन हर बार फिक्स नहीं होगा, ओके, सो कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड उसे कहते हैं जिस पर रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट की जाएगी, एनोड किसे कहते हैं? जिसे जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट की जाएगी, ओके, अब यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल है इसलिए यहां पर नेगेटिव टर्मिनल पर कैथोड अटैच है बैटरी के और पॉजिटिव टर्मिनल पर एनोड अटैच है, ओके, अब ये तो हुई अरेंजमेंट, ये तो हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरी आउट करना है, ओके, अब आपको पता है ये एनोड है, ओके, ये एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है और ये जो कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल पर है, ओके, अगर वाटर आप देखोगे तो वाटर का अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा यानी कि आयनाइजेशन हो जाएगा तो वाटर से बनेंगे टू आयंस जो होंगे H प्लस प्लस OH माइनस आयन। अगर वाटर का हम ब्रेकडाउन कर ले आयनाइजेशन कर ले तो उनसे दो आयंस बन जाएंगे, नंबर वन H प्लस आयन, नंबर टू OH माइनस आयन, ओके, अब ये जो आयंस है वो आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि देखिए यहां पर कैथोड है ये नेगेटिव है एक तरह से क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल को अटैच है यहां पर बैटरी को, सो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर कौन अटैच होगा? एच प्लस, क्योंकि अपोजिट चार्ज प्लस और नेगेटिव, ओके, उसी तरह से ये जो एनोड है ये एनोड इस पर पॉजिटिव चार्ज है सो इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा OH माइनस आयन, इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा OH माइनस आयन, ये वाटर है इलेक्ट्रोलाइट है इसमें हमने जो ब्रेक डाउन कर लिया सो एक H+ आयन बन गया एक OH- आयन बन गया, H+ आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल को अटैच बैटरी है, और OH- आयन अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, सो इस तरह से ये अट्रैक्शन होकर ये जो आयंस है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ जाएंगे, वहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस पर बढ़ जाएंगे उसकी तरफ जाएंगे उस इलेक्ट्रोड पर वो जाएंगे, सो अगर H+ आयन कैथोड पर जाएगा और OH- आयन एनोड पर जाएगा सो एनोड पर जो होगा सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन 4OH- आयन O2 प्लस twice H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर लूज कर लिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर लूज कर लिया गया है यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, सो OH- आयन जब इस इलेक्ट्रॉन पर चला जाएगा तो उस पर उस स्पेसिस पर उस आयन पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उस तरह से ये रिएक्शन बन जाएगी, ये 4OH- आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 गैस यहां पर रिलीज कर लेगा, यहां पर O2 गैस रिलीज हो जाएगा किस पर? एनोड पर, यानी कि हम वहां से O2 गैस प्रिपेयर कर लेंगे, वहां पर O2 गैस हम प्रिपेयर कर लेंगे कहां पर? एनोड पर, ओके, सो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया H2 गैस लेना, सो अब यहां पर ये जो लॉस हुए इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये बढ़ेंगे बैटरी की तरफ और ये जो बैटरी है ये पुश अप कर लेगा इलेक्ट्रॉन को कहां पर? कैथोड की तरफ, यानी कि बैटरी का काम क्या है? एनोड से इलेक्ट्रॉन खींच लेना और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर लेना, ओके, एनोड की तरफ से जो
जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल कर ले रहे हैं, क्योंकि एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन बैटरी पुल कर रहा है, पुश सॉरी पुल कर रहा है, ओके वो पुल कर रहा है, सब कर रहा है। सो वही इलेक्ट्रॉन फिर आगे वो कैथोड की तरफ भेज देगा, यानी कि पुश कर देगा, यानी कि यहाँ पर ये जो बैटरी है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन पंप का, ये जो बैटरी है ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन पंप का। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर H प्लस है, सो यही 4H प्लस ये यहां से आए हुए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और H2 गैस प्रिपेयर कर लेगा। सो यहां पर जो कैथोड है यहां पर H2 गैस रिलीज हो जाएगा और इस तरह से ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन, ओके ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होगा, देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन बचा 4 OH- plus 4 H+ plus, उनसे बना हुआ है O2 plus twice H2O plus H2। So ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। So हमने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है, O2 गैस प्रिपेयर कर लिया है एनोड पर, H2 गैस प्रिपेयर कर लिया है कैथोड पर, और यही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो हमें प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा। किसे प्रिपेयर करने के लिए, O2 गैस और H2 गैस को प्रिपेयर करने के लिए हमें हेल्प करेगा, ओके। सो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहां पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो।